Hi guys, welcome back to my channel. This is Shiv from Marine Life with Shiv. So guys, कैसे हैं आप सब लोग? आज आप लोग जानेंगे हमारे टैंक में वेव मेकर जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उसको हम लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं. यस, साइकिलिंग के पहले आपके टैंक में वेव मेकर होना बहुत जरूरी है. तो चलते हैं गाइज और जानते हैं कौन सा वेव मेकर आपके टैंक के लिए सही है. तो गाइस, आपने पिछले एपिसोड्स में देख लिया किस तरीके से हमने ये मरीन टैंक को स्टार्ट किया, किस तरीके से हमने सब कुछ किया है. अगर जो आपने नहीं देखा है, आप न्यू है चैनल पे, तो गाइस जाइए और जाके देखिए. एंड गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा सो दैट आपको नेक्स्ट टाइम कभी भी कोई भी वीडियो आए तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए. बेल आइकन भी दबा देना गाइस. एंड यू कैन फॉलो अस ऑन मरीन लाइफ विद शिव ऑन इंस्टाग्राम सो दैट आप मुझसे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हैं. सो गाइस, चलते हैं और जानते हैं हमारे टैंक में वे मेकर कौन सा अच्छा होता है. जिस तरीके से आप समुन्द्र में देखते हैं कि वहां पे लहर हमेशा रहती है, लहर मतलब समुन्द्र की वेव्स जो कि हमेशा चलती रहती है, उसी तरीके से आपके टैंक में भी आपका वाटर मूवमेंट हमेशा रहना चाहिए गाइस. लेकिन सिर्फ और सिर्फ जब आप खाना देते हैं वो टाइम पे आपका वेव मेकर बंद रहना चाहिए, नहीं तो 24 hours 24/7 आपको वेव मेकर को ऑन रखना है. ये चीज का आप ध्यान दीजिए. जिस तरीके से समुद्र चलता है उसी तरीके से आपके टैंक में भी वेव मेकर कंटिन्यू ऑन रहना चाहिए. ये क्रॉस फ्लो है, इसके पहले आपने जो देखा वो सर्कल है. क्रॉस फ्लो हर तरीके से लहर क्रॉस फ्लो में देता है, साइड से पोजीशन अच्छी तरह से मूवमेंट देता है. वेव मेकर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है गाइस. आपके टैंक में अच्छी वेव मेकर्स यूज करेंगे तो आपके टैंक में अच्छी वेव्स प्रोड्यूस होती है. उसकी हेल्प से आपके टैंक में पानी का जो फ्लो है उसके कारण आपके टैंक में ऑक्सीजन लेवल सही रहती है. आपके टैंक में कोने कोने में जो भी आप अनवांटेड खाना देते हैं वो अगर जो जाके रुक जाता है तो वेव मेकर की हेल्प से वो आगे की तरफ आ जाता है, जिसको फिश देख सकती है और खा सकती है. सेकंड, जो वाटर ब्लॉक्स होते हैं जहां पे आपका एरिएशन या कुछ बबल्स आके अटक जाता है, उसको भी आपका जो वेव मेकर है, जो वेव्स प्रोड्यूस होती है, उसकी हेल्प से आपके टैंक में कोई भी जगह पे कोई भी अनवांटेड चीज नहीं रुकती है. वेव मेकर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है गाइस. आपके इन्वर्टिबेट्स, आपके टैंक में फिशेस, आपके टैंक में कोरल्स, आपके टैंक में जो कुछ भी है, इम्पॉर्टेंट बहुत रोल प्ले करता है वेव. तो इसीलिए आप अपने टैंक में अच्छे कंपनी का एक वेव मेकर इंस्टॉल कीजिएगा. सस्ते वेव मेकर आते हैं जिसके ऊपर ऑलरेडी गाइस मैंने वीडियो बनाई है, डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक दे दूंगा कौन से वेव मेकर कैसे चलते हैं, किस तरीके से यूज किया जाता है और क्या करना है. तो आप कभी भी कोई भी वेव मेकर लगाएं तो ये डिसीजन लीजिए सही से आप कि आप अपने टैंक में एक अच्छा वेव मेकर इंस्टॉल करें और अच्छी क्वालिटी का वेव मेकर लीजिए सो दैट कभी भी वो खराब हो तो 3 to 4 years कम से कम आपके पास चले. इसी तरीके से मैंने जीबो कंपनी के वेव मेकर इंस्टॉल किए थे, कोरल बॉक्स कंपनी के इंस्टॉल किए थे, बहुत कंपनी के प्रोडक्ट यूज किए गाइस. लेकिन अच्छे कंपनी के प्रोडक्ट्स वारंटी के साथ मिलते हैं तो वारंटी प्रोडक्ट लीजिए. जैसे कि हमने अभी इंस्टॉल किया है उसका मैं आपको अनबॉक्सिंग आगे दिखाऊंगा. इस हिसाब से बहुत वेव मेकर्स पड़े हैं गाइस, ये देखिए. तो अच्छा वेव मेकर लेंगे आप तो वो हिसाब से आपको फ्यूचर में इश्यू नहीं होएगा. तो ये चीज का आप ध्यान दीजिए और अच्छे कंपनी का वेव मेकर लीजिएगा. तो चलते हैं गाइस, अनबॉक्सिंग करते हैं. सो गाइस, हमने हमारे टैंक में वेव मेकर इंस्टॉल किया है मर्लिन MA100. यस गाइस, जो कि 5 feet by 2 feet by 2 feet का टैंक है हमारा. क्रॉस फ्लो वेव मेकर जो कि हमने हमारे टैंक के लिए यूज किया है वो, उसके बारे में मैं आपको सब विस्तार से बताता हूँ. तो चलते हैं गाइस और देखते हैं उसकी अनबॉक्सिंग. मर्लिन MA100, राइट गाइस, 2 years वारंटी के साथ ये क्रॉस फ्लो वेव मेकर आता है. आप इसको ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं
ऑन एंड अवेलेबल है गाइस। इस तरह के अच्छे प्रोडक्ट्स भी आते हैं फ्यूचर में, और भी अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा। साथ में इसके सबसे पहले कैटलॉग देखिए, कैटलॉग में इसके पार्ट्स, इसका ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरीके से क्या ऑपरेट होता है, कौन कौन से मोड्स हैं इसमें, जैसे कि आप देख रहे हैं फीड मोड, पल्सिंग मोड, अलग अलग जो जो फ्लो आपको चाहिए, करंट फ्लो किस तरीके से रखना है आपको, आप उसमें से देख के गाइड कर सकते हैं अपने आप को और समझ सकते हैं। ये जो है गाइस इसका कंट्रोलर है जिसमें डीसी प्लग लगता है और फ्लो ऑफ, रेशियो, स्पीड, स्लो उसमें कंट्रोल कर सकते हैं आप गाइस। नाउ एक आता है पावर एडेप्टर, इस तरीके से पावर एडेप्टर आता है जो कि यूएस चाइनीज प्लग में आप इसको लगा सकते हैं। Now, this is a Crossflow Merlin MA100. बहुत हैवी मैग्नेट आता है गाइज इसका, फिंगर्स आप इसके बीच में ना डालें इस तरीके से, कभी भी ध्यान दीजिए। और बच्चों से ध्यान रखिएगा गाइज कि आप इसको जब इंस्टॉल कर रहे हैं तो वो टाइम पे बच्चे इसको हाथ में ना लें, क्योंकि इसका मैग्नेट बहुत स्ट्रांग होता है, बच्चों की उंगलियों में लग सकता है, तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है क्योंकि इसका हैवी मैग्नेट होता है, फ्लो हैवी है तो हैवी मैग्नेट होना बहुत जरूरी है। इस तरीके से इसको आप निकाल के रख सकते हैं। नाउ पीछे की साइड में कंट्रोल के लिए एक डबल साइडेड टेप आता है जिसको आप इस तरीके से स्टिक कर सकते हैं और आपके पैनल के ऊपर बैक साइड से स्टिक कर सकते हैं, या फिर आप ड्रिल करके एक नेल या फिर एक स्क्रू की हेल्प से भी इसको होल्ड कर सकते हैं। नाउ कनेक्टिंग पिन जो आती है उसमें आपको लॉक्स प्रॉपरली देखने हैं, सही से आप इसको देखिए, प्रॉपरली उसको लॉक कीजिए और उसके बाद विथ द हेल्प ऑफ टाइटनर उसको आप अच्छी तरह रोल करके टाइट कर लीजिएगा, सो दैट वो कनेक्शन छोड़े ना। लूज कनेक्शन कहीं भी होएगा तो स्पार्क आता है, तो इसीलिए कभी भी आप वायरिंग भी करें तो लूज कनेक्शन ना रखिए। इस तरीके से हमारा जो वेव मेकर है कनेक्शन हमने ऑलरेडी कर दिया है। नाउ अब चलते हैं और इसकी सेटिंग्स के बारे में जान लेते हैं गाइज। जो फैन ब्लेड पंप जो क्रॉस फ्लो वेव मेकर है उसको आप अंदर की तरफ इंस्टॉल कीजिएगा और जो मैग्नेट है वो बाहर की तरफ से उसको इस तरीके से स्टिक कर लीजिएगा। आप इसको स्टैंडिंग पोजीशन में भी रख सकते हैं गाइस, अभी हमने इसको स्लैंट रखा है सो दैट वेव जो है आपकी अपर साइड में आए। आप कभी भी ध्यान दीजिएगा कि जो वेव्स है वो ऊपर साइड में थ्रो करें, नीचे साइड में नहीं, क्योंकि नीचे के साइड में आपके रॉक्स, आपका एक्वास्केप रहेगा तो उसके ऊपर ज्यादा प्रेशर नहीं आना चाहिए। फ्लो जो है क्रॉस ऊपर की तरफ जाना चाहिए और ऊपर से ये साइकिल की तरफ रिटर्न आना चाहिए, मतलब आपका जो फ्लो ऑफ वाटर है इनटेक पाइप उसके अपोजिट साइज में ही इसको लगाना है। आप कोई भी वेव मेकर इंस्टॉल करें तो ये चीज का ध्यान दीजिए कि आपके टैंक में एक तरह की साइकिल रन होए, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, इस हिसाब से राउंड साइकिल चलनी चाहिए। नाउ जैसे कि आपने इंस्ट्रक्शन पढ़ लिया है किस तरीके से ऑपरेट करना है कैटलॉग में, तो उस हिसाब से मैं यहाँ पे आपको मैनुअल दिखा देता हूँ किस तरफ से आपको ऑपरेट करना है। नाउ गाइस पल्सिंग मोड जो आप देख रहे हैं वेव्स स्टॉप रन इस हिसाब से चलती है, मतलब पल्सिंग मोड जैसे कि धक धक होता है उस हिसाब से आपके जो वेव्स है वो पल्सिंग मोड में चलती है। अलग अलग तरह के वेव मूवमेंट है, सेकेंड मूवमेंट इस तरीके से चलता है, फास्ट फिर स्लो फिर फास्ट फिर स्लो, हर तरह की अलग अलग मूवमेंट्स है। इस हिसाब से आपको जो सूटेबल आपके टैंक के लिए वेव रखनी है वो हिसाब से आप कंट्रोल सेट करके आप उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। हमने यहाँ पे गाइस फर्स्ट मोड जो कि पल्सिंग मोड है वो हमने रखा है और आप अपने हिसाब से डिसाइड कीजिए आपको जो वेव मूवमेंट रखनी है उस हिसाब से आप वेव मूवमेंट रख सकते हैं गाइस। आपको कौन से लेवल पे आपकी वेव्स को रखनी है वो हिसाब से आप मैग्नेट की हेल्प से ऊपर नीचे आपके क्रॉस फ्लो को रख सकते हैं। जिस हिसाब से हमने यहाँ पे ज्यादा नीचे ना जाके हमने सिर्फ 20% छोड़ के हमारा वेव मेकर लगाया जो कि ऊपर से है, उस हिसाब से हमने यहाँ पे मोटिवेशन जो हमारे वेव्स हैं उसका मोशन इस तरफ से रखा है गाइस पल्सिंग मोड। इस हिसाब से हमने टैंक का वेव मेकर हमने इंस्टॉल कर दिया है, आप भी देख सकते हैं। अब आपका जो कंट्रोल पैनल है, आपका जो कंट्रोल बॉक्स है वेव मेकर का, उसमें कंट्रोल्स है
इसीलिए कभी भी याद रखिए, आप उसको ऐसी जगह पर इंस्टॉल कीजिए सो दैट आपका टैंक का अगर जो थोड़ा भी पानी गिरे तो वो कहीं पे भी जाके उसके ऊपर ना गिरे। तो उसको अच्छी तरीके से आप इंस्टॉल कीजिए, अच्छी तरीके से उसको ऑपरेट कीजिए, सेट करके आप लॉक भी कर सकते हैं और अपने कंट्रोलर को अच्छी तरीके से इंस्टॉल कर दीजिएगा। मोड्स जैसे कि मैंने आपको बताया, फर्स्ट मोड लगाया, एक बार मोड आपने सेट कर दिया है उसके बाद अपने कंट्रोलर को आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। गाइस हमने यहाँ पे माउंट करने के लिए SS का स्क्रू इंस्टॉल किया है, हुक किया है और उसके ऊपर हमारे कंट्रोलर को हमने हैंग किया है सो दैट यहाँ पे आजू बाजू कोई भी पानी का ड्रॉप्स ना आए। सेफ, जितना भी आप अपने इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को सेफ रखोगे उतना वो लॉन्ग लास्टिंग चलेगा। गाइस आपने ये चीज देख ली कि हमने हमारे फिल्ट्रेशन में क्या क्या यूज किया है, नहीं देखा है तो आप जाके पिछला वीडियो देख लीजिएगा, क्लियरिटी ऑफ द वॉटर। सो होप गाइस आज का वीडियो आपको सही से समझ में आया होगा क्यों आपके टैंक में वेवमेकर इंपॉर्टेंट है और किस तरीका का वेवमेकर आपको इंस्टॉल करना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे गाइस, जिसमें कि हम लोग जानेंगे सिर्फ और सिर्फ 7 डेज में आपके टैंक की साइक्लिंग। यस, नॉर्मली 45 डेज लगते हैं गाइस, लेकिन न्यू ईयर क्रिसमस के टाइम पे मैं आपको बताऊंगा कि आपके टैंक में अगर जो आपको साइक्लिंग 7 डेज में करनी है, ओनली 7 डेज, तो किस तरीके से करने है। तो चलते हैं गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, हैव ए हैप्पी मरीन लाइफ।